सर्दियों का मौसम आ गया है और इसी के साथ आ गई है मार्केट में बहुत सारी मूंगफली। मूंगफली की एक स्पेशलिटी ये होती है कि ये नेचर में गर्म होती है, इस वजह से ये हमें सर्दी जुकाम से भी बचाती है। आज मैं आपके लिए मूंगफली और गुड़ से बनने वाले चक्के की रेसिपी लेकर आई हूँ। चक्के बहुत अच्छी तरह से जमेंगे भी और बहुत क्रिस्पी भी बनेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी को नमस्ते, वेलकम टू गुड रेसिपीज बाय शिवानी। इस रेसिपी के लिए मैंने 100 ग्राम कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं। जब भी आप मार्केट से दाने लेकर आते हैं तो इसमें कुछ खराब दाने भी होते हैं, इन दानों को हमें अलग कर देना है, नहीं तो ये चक्के के टेस्ट को बिगाड़ देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो भी गंदे से दाने हो इनको हम अलग कर देंगे और हमें सिर्फ अच्छे दानों को ही मूंगफली के चक्के बनाने के लिए यूज़ करना है। अगर आप चाहें तो इस तरह से कच्चे दानों का यूज़ ना करके सीधे रोस्टेड दानों का यूज़ भी चक्के बनाने के लिए कर सकते हैं, पर मेरे पास कच्ची मूंगफली पड़ी थी तो मैंने इन्हीं का यूज़ किया है। अब मूंगफली को भूनने के दो तरीके हैं, या तो आप सीधे पैन में डालकर धीमी आंच करके इसे 5-7 मिनट तक कढ़ाई में चला लीजिए और ये रोस्ट हो जाएंगे, या दूसरा बहुत अच्छी तरह से रोस्ट करने का तरीका ये है कि हम नमक में डालकर मूंगफली को रोस्ट करें। तो मैंने कढ़ाई में थोड़ा सा नमक ले लिया है। नमक जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें मूंगफली डालेंगे। अगर हम ठंडे नमक में मूंगफली डाल देते हैं तो फिर ये उतनी अच्छी तरह से रोस्ट नहीं होती जितनी कि गर्म नमक में डालने से होती है। एक बार नमक में डालने के बाद हम गैस का फ्लेम लो से मीडियम के बीच में कर देंगे और 5-7 मिनट के करीब लगातार चला चला कर इस मूंगफली को अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मूंगफली के दाने चटकने लगें और ये हल्का हल्का अपना कलर चेंज कर ले, तब उस स्टेज पर हमें मूंगफली को नमक से बाहर निकालना है। कलर चेंज होने का मतलब ये है कि मूंगफली अंदर तक गर्म हो चुकी है और इस वजह से मूंगफली का कलर चेंज होता है। अब 7 मिनट से ऊपर हो गए हैं और ये देखिए, मूंगफली ने कलर चेंज कर लिया है और दाने अच्छी तरह से चटक भी चुके हैं। इन दानों को हम नमक से बाहर निकाल लेंगे। दानों को बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करें, नहीं तो फिर इनमें कड़वापन आ जाता है। और ये देखिए, दाने बहुत ही अच्छी तरह से रोस्ट हो चुके हैं। इन दानों को हम 10 मिनट तक ठंडा होने देंगे। ठंडे हो जाने के बाद ये देखिए, नमक में भूनने की वजह से दानों का छिलका बहुत अच्छी तरह से उतरेगा। अगर हमने दानों को बिना नमक के रोस्ट किया होता तो इनका छिलका इतनी अच्छी तरह से नहीं उतरता। ये देखिए, हल्का सा रब करते ही छिलका अपने आप उतर जा रहा है। इसी तरह से सभी मूंगफली का छिलका हम उतार लेंगे। अब मूंगफली को छिलके से अलग करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप इस तरह से मूंगफली को प्लेट में ले लें, इसे एक साइड में ले आएं। अब हल्का सा प्लेट को टैप करें तो होगा क्या, बड़ी बड़ी मूंगफली एक साइड हो जाएंगी और छिलके एक साइड हो जाएंगे। ये देखिए, इन मूंगफली को हम निकाल लेंगे। दूसरे तरीके में इस तरह से बड़े से छेद वाली चन्नी का यूज़ कर लें और इसके ऊपर रोस्टेड मूंगफली को डाल दें। अब चन्नी को हल्का सा हिलाएंगे तो छिलके अपने आप नीचे आ जाएंगे और बड़े बड़े मूंगफली के दाने ऊपर रह जाएंगे। ये देखिए, इस तरह से मूंगफली के दाने अलग हो जाएंगे। बाकी दानों को इस तरह हाथ से अलग कर लेंगे। और ये देखिए, दानों को मैंने अच्छी तरह से साफ कर लिया है, एक भी छिलका नहीं लगाया है इनके ऊपर। अब जो दूसरी चीज़ हमें चक्के बनाने के लिए चाहिए वो है गुड़। तो लगभग सेम क्वांटिटी में मैंने मूंगफली के दाने और गुड़ लिए हैं। गुड़ को मैंने छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। मार्केट में 2-3 तरह का गुड़ आता है, पर चक्के सबसे अच्छे इस तरह के लाइट येल्लो कलर वाले गुड़ से बनते हैं। ये गुड़ सॉफ्ट होता है। ये देखिए, हाथ से रब करने पर ये आराम से खिंच रहा है। इस गुड़ से बनाने पे चक्के में सॉफ्टनेस रहती है और ये बहुत ही आराम से टूटता है। अब चक्के बनाना शुरू करने से पहले आपको जिस बर्तन पे भी चक्के जमाने हैं उसको घी से ग्रीस कर लेंगे। तो मैंने एक थाली की उल्टी साइड पे इस तरह से घी लगा लिया है और इसी के साथ मैंने एक कटोरी में भी घी लगा लिया है। इस कटोरी में हम गोल गोल चक्के जमाएंगे और प्लेट में हम स्क्वायर शेप के चक्के जमाएंगे। अब गैस का फ्लेम हाई रखेंगे और कढ़ाई में इस तरह से गुड़ को डाल देंगे। गुड़ को पिघलाने के लिए थोड़ा सा पानी भी इसमें डाल देंगे। मैंने 1/3 कप के करीब पानी डाल दिया है। अब जल्दी से गुड़ पिघल जाए इसके लिए मैशर की हेल्प से मैंने इस तरह से गुड़ को मैश कर दिया है। जैसे ही गर्म पानी में गुड़ जाता है ये अपने आप सॉफ्ट हो जाता है और मैश करने पर ये बहुत ही आराम से मैश होता है।
अब हाई फ्लेम पर इस गुड़ की चाशनी को हम उबलने देंगे और इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। अच्छी तरह से 3-4 मिनट तक इस चाशनी को हमें उबालना है। और ये देखिए, उबलते उबलते 3-4 मिनट हो गए हैं और चाशनी गाढ़ी होने लगी है। अब हम एक चेक करेंगे जिससे हमें पता चलेगा कि चक्के के लिए ये चाशनी रेडी है या नहीं। तो थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इसे हम पानी में डालकर देखेंगे। ये देखिए, जब मैंने चाशनी को पानी में डाला है तो ये इसमें घुलती सी नज़र आ रही है। हाथ पर इसे निकाल कर देखेंगे और ये देखिए, अभी चाशनी खिंच रही है, मतलब कि अभी ये चक्के बनाने के लिए तैयार नहीं है। 1-2 मिनट तक चाशनी को थोड़ा सा और गाढ़ा कर लेंगे और फिर से हम चेक करेंगे। अब की बार ये देखिए, जब मैंने चाशनी को पानी में डाला है तो इसकी बॉल जैसी बनने लगी है। चम्मच से उठाकर मैंने देखा है और ये देखिए, एकदम से ये चाशनी जम जा रही है और ये हाथों पर भी चिपक नहीं रही है बिल्कुल भी। ये देखिए, मैं उंगलियों के बीच में रखकर भी दिखाती हूँ, बिल्कुल भी इसमें तार नहीं बन रहे हैं, मतलब कि चाशनी अब रेडी है चक्के बनाने के लिए। अब चक्के सॉफ्ट बने, मतलब कि जमने के बाद ये आराम से दांतों से टूट जाए, इसके लिए एक बहुत ही सीक्रेट चीज़ हम डालेंगे, जो कि है खाने वाला मीठा सोडा। तो 1 चुटकी खाने वाला मीठा सोडा मैंने गुड़ में मिला दिया है। इसे अच्छी तरह से गुड़ में मिक्स कर देंगे। अब गैस का फ्लेम हम बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद रोस्टेड मूंगफली को हम गुड़ में मिला देंगे। अब बंद फ्लेम में ही दोनों चीज़ों को हम 1 मिनट तक अच्छी तरह से चला लेंगे, मतलब कि जब ये हल्का हल्का ठंडा होने लगेगा तब हम इसे जमने के लिए बर्तन में डाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने कटोरी में इसको डाल दिया है। अच्छी तरह से इसको एक जैसी लेयर में बिछा देंगे और इसके बाद जो बाकी बचा हुआ मिक्सचर था वो मैंने प्लेट के ऊपर फैला दिया है। गुड़ अभी गर्म हो रहा है, इसलिए अभी तो ये आसानी से फैल रहा है, लेकिन ये बहुत जल्दी जमने लगता है। तो फटाफट से गुड़ ठंडा हो इसके पहले ही हम इसे अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे। अब इस चक्के को मैं स्क्वायर शेप में बनाने वाली हूँ, तो इस तरह से चाकू की हेल्प से मैंने चारों तरफ से इसे स्क्वायर शेप दे दिया है। गुड़ बहुत ही जल्दी ठंडा हो जाता है, इसलिए ये शेप बिगड़ेगा नहीं और ये ऐसे का ऐसा ही रहेगा। अब 1 घंटे तक हम इस चक्के को अच्छी तरह से ठंडा होने देंगे। 1 घंटे के बाद चक्के को निकाल कर देखेंगे और ये देखिए, कितना बढ़िया चक्का बनकर तैयार हुआ है, बहुत ही क्रिस्पी है ये। अब चक्का जमने के बाद हार्ड हो जाता है, तो इस तरह से दांत वाले चाकू का यूज़ मैंने चक्के को काटने के लिए किया है। अब जैसे आरी चलाई जाती है ना, उस तरह से चाकू को चक्के के ऊपर रख के आप इस तरह से चक्के को स्क्वायर शेप में काट लें। ये देखिए, बहुत ही आराम से कट रहा है ये चक्का। इसी तरह से मैंने स्क्वायर शेप में इसको कट कर लिया है और ये देखिए, बिल्कुल मार्केट जैसे चक्के जमे हैं। एक चक्का मैं आपको तोड़कर भी दिखाती हूँ। आवाज़ सुनकर ही लग रहा है ना कितने क्रिस्पी चक्के बने हैं, बिल्कुल भी नहीं चिपक रहे हैं और एकदम परफेक्टली जमे हैं। अगर आप भी सारे टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो आप भी मूंगफली के चक्के इसी तरह से बहुत ही अच्छे बना सकते हैं। इसी तरह की और भी रेसिपीज़ मेरे चैनल की स्वीट डेजर्ट प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, आप चाहें तो वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा और अगर अच्छी बने तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।